नमस्कार, मैं जगदीश पारिक हिंदी व्याकरण शास्त्र के अंतर्गत वाक्य के 9वें सत्र में अर्थ के आधार पर वाक्यों का परिवर्तन करने के अंतर्गत आज संदेहवाचक वाक्य का परिवर्तन, हम बिना वाक्य के अर्थ को परिवर्तित किए अलग अलग वाक्यों में किस प्रकार परिवर्तन करेंगे इसके बारे में चर्चा करेंगे। उदाहरण, शायद आज पिताजी आएंगे। यहां पहला वाक्य हम लेते हैं, विधानवाचक या दूसरे शब्दों में विधिवाचक। अब देखिए जो उदाहरण बनेगा, आज पिताजी आएंगे, यही हम लेते हैं। आप क्या वाचक वाक्य, जिन वाक्यों से आज्ञा आदेश पिताजी आज आ जाइएगा, आज आ जाइएगा। इसी प्रकार तीसरा हमारा जो वाक्य है अर्थ के आधार पर निषेध, मनाही का, नकार का भाव जिन वाक्यों से बोध होता है, आज पिताजी नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। इसी प्रकार प्रश्नवाचक वाक्य, जिन वाक्यों से वक्ता के सवाल प्रश्न पूछने का बोध होता है, क्या आज पिताजी आएंगे, इसी प्रकार हम दूसरे जो अगला सत्र है उसमें हम देखेंगे। अब यहां देखिए प्रश्नवाचक वाक्य, जिन वाक्यों से प्रश्न का बोध होता है, यहां क्या आज पिताजी आएंगे, पूर्ण विराम न लगकर प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग होगा। हमने पूर्व के सत्रों में इसके बारे में चर्चा की थी। इस चिन्ह के मार्फत, इस चिन्ह के माध्यम से भी हम इस वाक्य की पहचान कर सकते हैं। इसी प्रकार पांचवा जो हमारा भेद है, विस्मयादि वाचक। यहां देखिए ओहो, मैंने पूर्व में भी आपको बताया था, जो विस्मय सूचक शब्द होते हैं उन शब्दों के द्वारा इस चिन्ह की पहचान होती है और इस चिन्ह के माध्यम से हम इस वाक्य की पहचान कर सकते हैं। विस्मय सूचक शब्दों के पश्चात विस्मयादि वाक्यांशों व वाक्यों के अंत में अथवा मध्य में भी इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ओहो, आज पिताजी
आएंगे। इसी प्रकार इच्छा वचन वाक्य के अंतर्गत आप देखिए, काश आज पिताजी आ जाते, काश आज पिताजी आ जाते। इसी प्रकार संदेहवाचक पूर्ववत ऊपर हमारा लिखा हुआ है, शायद आज पिताजी आएंगे, अथवा इस वाक्य को हम यूं भी लिख सकते हैं, संभव है आज पिताजी आ जाएंगे। थोड़ा सा मैं रूप इसका परिवर्तित कर दिया है, शायद संभव, वाक्य सेम है। इसी प्रकार अंतिम हमारा जो वाक्य है संकेत वाचक, जिन वाक्यों में एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है, आश्रित होती है, यहां देखिए, यदि आज पिताजी आएंगे, यदि आज पिताजी आएंगे तो हम सब घूमने जाएंगे, यदि आज पिताजी आएंगे तो हम सब घूमने जाएंगे। तो हमने देखा अर्थ के आधार पर ये जो आठ प्रकार के वाक्य हैं, बिना किसी वाक्य के अर्थ को परिवर्तित किए हमने विभिन्न प्रकार के वाक्यों में इनका परिवर्तन किया है, और यह परिवर्तन ही वाक्य परिवर्तन कहलाता है। इसी प्रकार आगे के सत्र में, अंतिम सत्र में, संकेत वाचक वाक्य का विभिन्न वाक्यों में परिवर्तन करेंगे। धन्यवाद।